देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आरडी शर्मा के मैथ में से, और ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी की बुक में 8th था भाई। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 10.2 में थे, और उसमें मैंने आपको क्या बेस बताया कि जो आपकी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो है ना, उनकी वैल्यू 0 डिग्री पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 के ऊपर क्या होगी, उसके लिए आपको टेबल याद करनी है। अगर आपको टेबल याद है तो जो आपके 10.2 है ना उसमें कुछ भी नहीं है भाई। तो क्वेश्चन देखो भाई, देखो लास्ट में जो है ना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 28 करवा दिया भाई, अब तुम पढ़ो 29 भाई, पढ़ना 29 एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है, इफ साइन ए प्लस बी, इफ साइन ए प्लस बी इक्वल टू मेरा 1 है भाई, एंड एंड कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी इक्वल टू भी 1 है भाई, इक्वल टू भी कौन है, 1 ही दिया हुआ है। और साथ में लिखा हुआ भाई जो a प्लस बी है ना उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन इक्वल टू कौन है भाई, 90 डिग्री लिखा हुआ भाई। और साथ में लिखा हुआ है जो a एंगल है ना वो b से बड़ा है, a एंगल आपका क्या है b से लार्जर है, और आपने a और b की वैल्यू बतानी है, जो a और b एंगल है ना ये आपने बतानी है भाई। तो आप गिवन के सारा लोगे, अब देखो a और b दो अननोन है, और दो अननोन को सोल्व करने के लिए कई बार बता लिया दो इक्वेशन चाहिए, और दो इक्वेशन को बनाने के लिए दो कंडीशन, और वो दो कंडीशन देखो आपको गिवन भी, इन दो कंडीशन से आपकी दो इक्वेशन बनेंगी, उन दो इक्वेशन को सोल्व कर करने a और b आ जाएंगे। तो गिवन का लोगे सारा, तो सॉल्यूशन भी, तो इफ का मतलब गिवन है भाई, क्या क्या गिवन आपको, एक तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू मेरा 1 है भाई, और एंड एक आपको गिवन है कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी इक्वल टू भी आपका 1 है, और आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है, और ए और बी आपके एंगल है ना, ए और बी आपके कौन है एंगल, और कल हमने क्या बेस पढ़ा था भाई, अगर आपको रेशो में एंगल बताना हो, अगर आपको रेशो के अंदर एंगल बताना हो तो सबसे पहला काम क्या करोगे, रेशो को एक साइड और नंबर को दूसरी साइड, देखो वो तो अपने आप ही है, रेशो उस साइड और नंबर इस साइड। उसके बाद सेकंड आपका स्टेप है भाई, आप चेक करोगे ये नंबर इस रेशो में कहां होता है, ये नंबर इस रेशो में कहां होता है, तो जो 1 है वो साइन में कहां पर वैल्यू होती है, साइन 90 लिखो भी तो भाई, तो विच इंप्लाइज साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू कौन, साइन 90। उसके बाद साइन तो साइन आपका कैंसिल हो गया, पर आपने कैंसिल नहीं करना, इसको मैथ के उसमें लिखोगे, और मैथ की लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, कंपेयर बोथ साइड में, दोनों को आपस में करोगे कंपेयर, करने के बाद कंपेयर, वैसे आपका साइन तो साइन ही कैंसिल हुआ है, तो a प्लस बी इक्वल टू कौन होगा 90, a प्लस बी इक्वल टू कौन 90, इसको इक्वेशन नंबर 1 दोगे ना। उसके बाद ऐसे एक इक्वेशन याद बन जाएगी, रेशो इक्वल टू नंबर है ना, तो आप चेक करोगे कि ये नंबर इस रेशो में कहां होता है, चेक करो भाई, तो जो 1 है वो कोस में कहां होती है, कोस 0 की वैल्यू होती है ना, तो लिखो यहां पर कोस 0, तो विच इंप्लाइज कोस ए माइनस बी इक्वल टू, तो कोस 0 की वैल्यू कौन होती है 1। उसके बाद आपस में करोगे कंपेयर, तो लिखोगे कंपेयर
कंपेयर बोथ साइड में करना एक बार कंपेयर, यानी कोस से कोस आपका कैंसिल हो गया, तो ए माइनस बी कौन होगा, तो ए माइनस बी इक्वल टू होगा 0 डिग्री। इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सोल्व करोगे तो वहां से ए और बी आ जाएंगे, ऐसे लिखोगे। और ये आपने जो सोल्व करना है ना वो थर्ड चैप्टर में सीख ली भाई, तो ऐसे लिखोगे पेपर में सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन टू फॉर ए एंड बी, फॉर ए एंड बी, तो वी गेट, करना सोल्व भाई। तो फर्स्ट कौन है मेरी, ए प्लस बी इक्वल टू 90 और ए माइनस बी इक्वल टू कौन 0 डिग्री है। अब देखो कैसे करोगे सोल्व, दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि जब तुम ऐड करोगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो लिखोगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 भी करना एक बार ऐड, क्या बनेगा, देखो बी से बी कैंसिल हो गया, ए प्लस ए 2a इक्वल टू 90 प्लस में 0 90 होगा, आपका 2 से 45, यानी a की वैल्यू कौन होगी, a आपका एंगल होगा भाई 45। देखो a तो आ गया, अब b आप कैसे निकालोगे, ये a की वैल्यू फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो आपकी मर्जी है, बोलो कहां पर रखूं, चलो इसमें रख दो या फिर इसमें रख दो आपकी मर्जी है भाई, चलो फर्स्ट में रख लो। तो पुट दी वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, करना फर्स्ट में पुट, तो जहां पर ए वहां लिखोगे 45, तो 45 प्लस में बी, तो 45 प्लस बी इक्वल टू कौन है भाई 90। अब 45 को ले जाओ उस साइड, लेकर जाओ 45 को उस साइड, तो बी कौन होगा, तो बी होगा 90 माइनस में 45, तो 45 ही बचेगा भाई, तो ये आपका बी आ गया। तो भाई बिल्कुल आसान ही है। अब आपको ए और बी एंगल बताने हैं, ए और बी एंगल आपको बताने हैं। अब ए और बी आपके दो अननोन है, और दो अननोन को सोल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, और दो इक्वेशन को बढ़ाने के लिए दो कंडीशन, और वो दो कंडीशन देखो आपको गिवन भी है। अब जिसकी वैल्यू आपने बतानी है ना वो आपका रेशो के एंगल में है, और कल हमने के बेस पर डाला, अगर आपको रेशो का एंगल बताना हो तो आपको तीन स्टेप करने होते हैं। तीन स्टेप कौन कौन से, सबसे पहला स्टेप रेशो एक साइड और नंबर दूसरी साइड, वो देखो अपने आप ही है। दूसरा स्टेप वो जो नंबर है ना चेक करोगे कि उस रेशो में कहां होता है, उसके बाद आपस में करोगे कंपेयर, तो वहां से इक्वेशन बन गई, वही सेम टू सेम काम यहां कर दिया हमने। ध्यान तक पढ़ोगे देखो भी आसान है, वरना मुश्किल है सब कुछ। और देखो भाई अब तुम पढ़ो, 29 हो गया, अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 30, और जो आपका 31 है ना कोई सा कर लो भाई, दोनों बराबर बात है। चलो आपको 30 करवा दूं, फिर 31 तुमने करना भाई। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है इफ टेंजेंट ए माइनस बी, इफ टेंजेंट ए माइनस बी इक्वल टू कौन है भाई, 1/√3 है भाई, एंड टेंजेंट ए प्लस बी, टेंजेंट
ए प्लस बी इक्वल टू आपका भाई रूट तीन है, इक्वल टू कौन रूट तीन। उसके बाद वही सेम टू सेम फालतू की बातें लिखी हुई है कि ए प्लस बी ग्रेटर देन जीरो और लेस देन इक्वल टू कौन है भाई 90 है और ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन कौन है भाई बी है आपका। और फाइंड ए एंड बी, और जो ए और बी एंगल है ना, ए और बी एंगल वो आपने बताने हैं, ए और बी एंगल आपने बताने हैं, यानी दो अननोन है और दो अननोन को सोल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए और दो इक्वेशन को बढ़ाने के लिए दो कंडीशन, तो वो दो कंडीशन देखो ये क्यों नहीं। अब जिसकी वैल्यू आपने बतानी है वो रेशो का एंगल में है। अगर आपने रेशो का एंगल बताना हो तो सबसे पहला स्टेप रेशो एक साइड और नंबर दूसरी साइड, देखो वो तो अपने आप पे है। उसके बाद चेक करोगे कि ये नंबर उस रेशो में कहां होता है, तो सारे सेम टू सेम स्टेप है भाई। तो सॉल्यूशन, तो इफ का मतलब गिवन है भाई, गिवन आपको टेंजेंट ए माइनस बी इक्वल टू कोण 1/√3 एंड एक आपको क्या गिवन है भाई टेंजेंट ए प्लस बी इक्वल टू कोण √3 है भाई। उसके बाद आप चेक करोगे कि ये नंबर इस रेशो में कहां होता है, करो चेक भाई। तो विच इंप्लाइज टेंजेंट ए माइनस बी इक्वल टू भाई, तो ये नंबर इस रेशो में कहां होता है, टेंजेंट 30 की वैल्यू है ना ये, तो लिखोगे टेंजेंट 30 भाई। उसके बाद आपस में करोगे कंपेयर, तो लिखोगे कंपेयर कंपेयर बोथ साइड भाई, कंपेयर बोथ साइड करना कंपेयर, तो 10 तो 10 आपका कैंसिल हो गया पर कैंसिल आपने करना नहीं होता। तो a माइनस बी इक्वल टू कौन आया 30 है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 दोगे ना। उसके बाद वही सेम टू सेम स्टेप यहाँ, रेशो एक साइड नंबर दूसरी साइड, देखो अपने आप पे हो तुम। फिर आप चेक करोगे कि ये नंबर इस रेशो में कहाँ होता है, कहाँ होता है भाई टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है, टेंजेंट ए प्लस बी इक्वल टू कौन टेंजेंट 60 है मेरा ये। उसके बाद करोगे कंपेयर, तो लिखोगे कंपेयर बोथ साइड भाई, करना एक बार कंपेयर तो क्या बनेगा, 10 तो 10 आपका कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी कौन होगा मेरा 60 बनेगा। इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो वहां से a और b आ जाएंगे, तो लिखोगे सोल्विंग सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 किसके लिए भाई, फॉर ए एंड बी, ए एंड बी वी गेट, करना सोल्व। तो कैसे करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, जब ऐड करोगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो करो ऐड। तो कैसे करोगे, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 भाई, करना एक बार ऐड, तो बी से बी कैंसिल हो गया, तो ए प्लस ए 2a बनेगा 2a, और आपकी राइट में राइट ऐड हो जाएगी, तो 60 प्लस में 30 90 होगा, ये 2 से भाई 45, तो a की वैल्यू कौन होगी 45 बनेगी। अभी जो a की वैल्यू है चाहे इसमें लिखो चाहे इसमें लिखो किसकी आ जाएगी, b की, चलो इसमें लिख दो तुम्हारी मर्जी हो तो पुट दी वैल्यू ऑफ ए
इन इक्वेशन, चलो मैं टू में कर दे पुट, करना पुट, तो जहां ए वहां लिखोगे 45, तो 45 प्लस बी इक्वल टू 60, 45 को ले जाओ उस साइड, तो बी कौन होगा, तो 60 माइनस में 45 यानी वो आपका बनेगा भाई 50, या फिर बी में, तो भाई बिल्कुल आसान देखो ये तुम, तो तुमने जो है ना आज भाई 29, 30 और 31 तीनों करने हैं भाई, बाकी फिर कल करेंगे।